कि आप 40,000 रुपये देके दो दुकान कब्जा कर लोगे क्या? हाँ, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे थे, 750 रुपये मिनिमम किराया होगा। 1 20 पहले दिया था, मैंने 40 बाद में दिया था। 1 20 ना, 1 लाख 20 हज़ार पहले दिया था। अच्छा ठीक है, चलो ऑल राइट ऑल राइट, 1,20,000 पहले दिया, जी ठीक है, 1,20,000 और 40,000, 1,60,000 रुपये, हाँ ठीक है। अब 2005 से आज 2023 आ गया, सुनो तो सही, माइल सुनो तो सही, 23 आ गया, ठीक है 18 साल हो गए, जी। एक साल का 18,000 रुपया, 18 × 18 कितना हुआ, 18 दाम 180, 88 44। 144, रुकिए हमको भी थोड़ा गुणा भाग करने दीजिए, ठीक है, 1,80,000 पहले हुआ और फिर 8 का और हुआ, अट्ठाईस करीब चौवालीस करीब 3 लाख रुपया होता है। आप तो ब्याज से ज्यादा पैसा, मूलधन से ज्यादा ले चुके हो, आप केस बात करो, माय लॉर्ड, पहले आप बात करो। मैं उसको जो आपने कहा हाँ उसको तो पहले खंडित कर दूं। मैंने नहीं नहीं आप पहले अपने फैक्ट आप बता दो, हम एक रफ आइडिया, देखिए हम कुछ नहीं, कुछ, जो माय लॉर्ड जो चीज बिक चुकी अरे है उसका गिराने में कैसे नहीं नहीं हुआ? सुनो तो श्रीवास्तव जी, हम क्या थोड़े मैथ्स के स्टूडेंट है ना, बीएससी में मैथ्स किए थे, तो ठीक बात है, गुणा भाग हमको जल्दी आ जाता ठीक बात है है, ना, हम आर्ट्स कॉमर्स वाले नहीं थे, तो ठीक है मालूम। हमको कुछ समझ में नहीं आता, बाकी आप लोगों की जो साहित्यिक बातें होती ना, ये साहित्य बात नहीं करूंगा आप मैडम, सीधा आ जाओ गिरवी पे, बट काइंडली पासवर्ड दिस मैटर मैडम। क्यों क्यों पासवर्ड हाँ क्यों पासवर्ड करेंगे मिस्टर श्रीवास्तव, क्यों करें, आप क्या लैंडलॉर्ड है, ये क्या तमाशा है श्रीवास्तव जी, सारा पासवर्ड करने की बात करते हैं, क्यों पासवर्ड मैं करूंगा मैं, सिर्फ पासवर्ड की बात, इस क्यों लिस्ट खत्म है तो नहीं नहीं बस कर क्यों क्यों, क्या दूंगा। प्रॉब्लम क्या है, कोड आप थोड़ी चलाओगे, आई कुड नॉट गो थ्रू द नहीं वी आर फाइल नॉट मैडम, कंसर्न विद इट, वी आर नॉट, विल नॉट एकोमोडेट यू, ठीक है मैडम, आप आर्गू करें जो करना है, माय नॉट, ये क्या बात हुई, ये सब फॉर्मूला हमारे यहां मत चलाइए, माय लॉर्ड, हमारे यहां कोई फॉर्मूला नहीं चलेगा, सिंपल सिंपल अर्निस्ट रहोगे तो सब चल जाएगा, इस कहां है आप इस टाइप की हरकतें करते हो श्रीवास्तव जी, हमको बोलने में मजबूर कराते हो, आप कहा है बोलने के लिए मजबूर करते हो, हमने जब हमने आपको बोला है ना, हम आपको बकायदा सम्मान से बात कर रहे हैं, तो आप कहे उस टाइप से हरकतें करते हो कि हम अपने आप को टेम्पर मिस करें, नहीं इसमें नहीं ऐसा मत कीजिए, फाइल पढ़ नहीं पाया इसलिए नहीं पढ़ नहीं मिस्टर पाया। श्रीवास्तव, मेंटेन द डेकोरम ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो एंड टू द इंस्टीट्यूशन ऑल्सो प्लीज, हम आपको कह तो रहे ना, माय लॉर्ड, आप ऐसा क्यों करते हो कि आप अपने क्लाइंट से क्यों प्रभावित होते हैं इतना, आप क्यों नहीं पढ़ पाए, ये आपका प्रॉब्लम है, हम लोग रात के 2-3 बजे तक पढ़ के आते हैं रोज, माय लॉर्ड, और उसके बाद आपको लगता है कि हम लोग यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं पढ़ हम हमें लग रहा है हम ये छोटे मोटे एप्लीकेशन में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना नहीं, चाहते, मेरिट्स में केस है वो डिसाइड करेंगे, माय लॉर्ड, आप बात कीजिए जो होगा होगा, माय लॉर्ड, आप क्यों इतनी क्लाइंट के लिए टेंशन लेते हो, माय 6 साल लॉर्ड, तो उसको स्टे करा के दिखा दिया आपने, ये आपकी काबिलियत पर्याप्त है भाई, दैट इज योर आर्ट, उसके बाद आपको ज्यादा आर्ट थोड़ा नहीं केस ऐसा है मेरा, है आर्ट नहीं केस ऐसा है। आर्ट नहीं है, नहीं अरे हमको मत सिखाओ भाई, अरे अच्छा हमको भी पता है चंद्रा जी, आप सब पता है, हम पूरी फाइल की ऑर्डर शीट देख के आए, आप चिंता मत करो, जबरदस्ती का टेक्निकल मत किया करो, जिसका है मर्ड, उसको बहस करो खत्म करो, माय जो लॉर्ड, होगा हम इस जो केस में माय लॉर्ड, एक गिरवी लेख लिख के दिया था प्लेंटिफ ने, माय लॉर्ड, रिस्पॉन्डेंट के पक्ष में, आप प्लेंटिव थे, अच्छा नहीं हम रिस्पॉन्डेंट हैं, पहले आप डब्ल्यू एफ डिफेंडेंट पढ़ो, थे, पहले प्लेंट पढ़ो क्या था, नहीं उसके पहले ही घटना बता रहा हूँ नहीं मैडम, घटना तो प्लेंट से पढ़ेंगे हम, घटना में तो जाएंगे नहीं, माय लॉर्ड, आप प्लेंट पढ़ दो हम आपकी प्लेंट को समझ जाएंगे, हाँ माय लॉर्ड, प्लेंट, माय लॉर्ड, दिखाना प्लेंट, 20/4/2015 को फाइल किया गया था, हाँ उसमें वादी ने प्रार्थना किया था, वादी प्रार्थना करता है कि यह कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक एक उपरोक्तानुसार पते उपरोक्त पते पर निवास करते हैं, वादी पूर्व में एसीसीएल में कार्यरत था, वह वर्तमान में रिटायर्ड हो गया है, दूसरा यह कि वादी वार्ड यह कि वादी द्वारा वर्ष 1983 में एसीसीएल की भूमि पर ग्राम बाकी मोगरा हटरी के सामने 4 दुकानों का निर्माण कराया गया है, उक्त 4ों दुकान के निर्माण में लगभग 40,000 रुपया खर्च हुआ है, जिस पर वादी लगातार कब्जे में चला रहा था। वर्ष 2005 में प्रतिवादी हेतराम के द्वारा उक्त 4 दुकानों में से 2 दुकान को किराए पर लेने की मंशा जाहिर किया, संबंध अच्छा होने के कारण वादी द्वारा दो दुकान जिसकी चौहद्दी एवं नजरी नक्शा वाद पत्र के अंत में दिया गया है,
को वादी प्रतिवादी क्रमांक एक के कब्जे में सौंप दिया, पर प्रतिवादी क्रमांक एक द्वारा उक्त दुकान को आज तक न तो किराया अदा किया गया है, न ही उक्त दुकानों को खाली की किया गया है। उक्त दोनों दुकान को आगे वाद दुकान के नाम से संबोधित किया गया है। वाद दुकान वादी के हक अधिकार की है, प्रतिवादी क्रमांक एक का वाद दुकान पर कोई हक नहीं है। यह कि उक्त भूमि एवं मकान के संबंध में किसी प्रकार का कोई सीलिंग एक्ट के अंतर्गत न तो मामला चला है, न ही कोई मामला लंबित है। प्रतिवादी क्रमांक दो छत्तीसगढ़ शासन को औपचारिक पुरस्कार बनाया गया है। कंडिका चार मिनट, यह कि वादी द्वारा वर्ष 2006 में प्रतिवादी क्रमांक एक को किरायेदारी की लिखा पढ़ी हेतु कहे जाने पर उसके द्वारा एक स्टाम्प पेपर पर वादी का हस्ताक्षर करा लिया। वादी पढ़ा लिखा नहीं है, वह केवल अपना नाम लिखना जानता है, जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादी क्रमांक एक द्वारा किराए नामा के जगह एक गिरवी नामा लिखा लिया। इस बात की जानकारी वादी को वर्ष 2012 में हुई, जब बांकी पुलिस द्वारा उभय पक्ष के विरुद्ध 145 का मामला अनुभागीय अधिकारी दंडाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां प्रतिवादी क्रमांक एक द्वारा उक्त जाली गिरवी नामा विलेख पेश किया गया। वादी द्वारा किसी प्रकार से गिरवी की राशि प्रतिवादी क्रमांक एक से प्राप्त नहीं किया। प्रतिवादी क्रमांक एक द्वारा गिरवी नामा विलेख का निष्पादन छल एवं कपट पूर्वक कराया गया है, जो अपंजीकृत होने से अवैध है तथा निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक एक को न तो बिक्री किया गया, न ही गिरवी रखा गया। प्रतिवादी क्रमांक एक द्वारा उन दोनों दुकानों को किराए के नाम पर अपने कब्जे में लिया गया, पर किरायानामा अथवा किरायेदारी जैसी कोई बात नहीं हुई। प्रतिवादी क्रमांक एक द्वारा वादी को कभी भी दुकानों का किराया नहीं दिया गया। प्रतिवादी क्रमांक एक का वाद दुकानों पर कब्जा अवैध एवं गैर कानूनी है। वादी विवादित दुकानों का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। यह कि वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक एक उस गिरवी नामक को निरस्त करने का उसने सूट फाइल किया, मैनोट गिरवी नामक को कैसी लगा कर मैनोट है ना यस, और आपको मकान का पोजीशन देने के लिए सूट फाइल किया मैनोट। ठीक है, अब आपने जवाबदावा बनाया क्या लिखा कि गिरवी जवाबदावा मैनोट। आपके मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं क्या? नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग काम नहीं करते हैं। हमने इसके दुकान को किराए से लिया था। किराए से लेने के बाद इसने कहा मुझे और पैसे की आवश्यकता है, आप दुकान का गिरवी नामा लिख लो। मैंने और पैसे दिया, गिरवी नामा लिख लिया। अच्छा। गिरवी का समय पूरा हो गया, पैसा वापस करने में असमर्थ था और उसने हम जमीन तो आपने जमीन को दुकान को दबा दिया। नहीं, जब दबा मतलब वो जमीन हमारी हो गया। फिर मानो जब इसने विवाद उत्पन्न किया तो हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखाया, पुलिस ने उसको मामला को 145 के तहत भेज दिया एसडीएम के पास। एसडीएम का जो ऑर्डर है मैलॉट उसको निरस्त करने के लिए उसने सूट फाइल कर दिया। और एसडीएम का जो ऑर्डर हुआ था 2012 में हुआ था, 9/11/2012 को हुआ था। उसमें एसडीएम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट का परिशीलन करने के बाद ये पाया था कि गिरवी नामा हुआ है। अच्छा। अब गिरवी नामा के अनुसार जमीन मेरी हो जाती है। अच्छा। परंतु वो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है और पैसा खर्च किया है, इसलिए उसको 40,000 रुपए और दे करके उसने गिरवी नामा एब्सोल्यूट करने का ऑर्डर किया था। अच्छा, ये बताओ 145 का जो ऑर्डर होता है उसकी सिविल कोर्ट में क्या वैल्यू होती है? उसकी सिविल कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं थी, परंतु ये जो फाइंडिंग है मैलॉट। अच्छा, जब फाइंडिंग जब जजमेंट ऑर्डर की वैल्यू नहीं तो फाइंडिंग की कोई वैल्यू नहीं है, इतना तो आपको भी सिखाया गया है। सिविल कोर्ट में उसकी वैल्यू नहीं है। हाँ, आप सिविल कोर्ट में लेकिन दो व्यक्तियों के बीच विवाद है। अरे वो तो छोड़ो ना सिवा जी, आप सिविल कोर्ट में अगर किसी कागज की कोई वैल्यू नहीं है तो हमको दो विवाद हो चार विवाद हो हमको क्या करना है? आप हमको ये बता दो कि अब 145 की कोई वैल्यू नहीं होती, आप भी जानते विधि सम्मत जानकारी आपको हमसे ज्यादा है। नहीं ऐसा ही ऐसा कोई वैल्यू नहीं, ऐसा ही है। अरे वैल्यू तो है। अरे आप पहली बात देखो सिवास्तव, 145 की वैल्यू तो है, सिविल कोर्ट उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। अरे सब उसका मतलब ही वही है, कान इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, कान तो दोनों में पकड़ा जाएगा, है ना। अब आप ये बताओ, इसकी बात तो खत्म हो गई, इसको छोड़ दो कहानी को, अब आप आ जाओ सीधा गिरवी नामा में।
और आपने जवाब दावा क्या बनाया और गिरवी नामा में कैसे आप अपने आपको डिफेंस किए उसको बता दो। पहले गिरवी नामा पढ़ता हूँ, पहले गिरवी नामा पढ़ देता हूँ। नहीं, पहले जवाब दावा पढ़ लो, फिर गिरवी नामा। जवाब दावा, प्रतिवादी क्रमांक एक की ओर से निम्नानुसार जवाब सदर प्रस्तुत है। पहला, यह कंडिका एक का कथन औपचारिक होने से जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यह कंडिका दो कथन अंशतः स्वीकार है, मात्र यह स्वीकार है कि वादी द्वारा वर्ष 1963 में एसीसीएल की भूमि पर बांकी मोगरा में वादग्रस्त दुकान का निर्माण कराया गया था। यह कथन अस्वीकार है। अच्छा, किराया कितना था इसमें? किराया कितने में एग्री हुआ था? किराया कितने में देखा, इसका संबंध में उल्लेख नहीं है मेरा। संबंध में उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं है भाई? मलोट क्यों नहीं है? नहीं है। और कितनी चारों दुकान किराए में ले लिए थे? दो दो दुकान, दो दुकान मलोट। और 40,000 रुपए आपसे एक्स्ट्रा लिया। आप दुकान कब से किराए में थी? 2005 से। 2005 से मलोट, ठीक है मलोट। और 2005 से दुकान थी आपकी, और आपका 6 में उसने और पैसा लेकर के गिरवी नामा लिया। 6 में, ठीक है, 40,000 रुपए, ठीक है 40,000। आपकी हम बात मान रहे हैं। आप एक साल का मान लीजिए, दो दुकान का, कहाँ पे दुकान आपकी? बाकी मोगरा में। कहाँ, कितनी दूर? गांव में। यस, हाँ, 750 रुपए एक दुकान का किराया मिनिमम। चलिए आपकी बात मानते हैं, ठीक है, 7.5 × 2 1,500 रुपया, 1,500 रुपया एक एक दुकान का, एक महीने का, एक साल का हुआ 18,000 रुपए। तो यार 5 से आप किराए में हो, आज कितने साल हो गए? 2005 से आज तक किराए में नहीं है। नहीं नहीं, 2006 तक किराए में थे। हाँ, गिरवी आपने गिरवी रख लिया ना? हाँ, गिरवी कैसे होती है, उसमें क्या कानून होता है, उसको भी हम एग्जामिन करेंगे ना अभी। माइलॉर्ड, अभी हम वहां तक पहुंचे रहे ना धीरे धीरे। माइलॉर्ड, आप बताओ, 2018 का 18 और किराया आपने पटाया नहीं आज तक, किराया कब से दिए? माइलॉर्ड, अगर 5 से 6 तक किराया नहीं पटाया तो उसको उसने एक मसला ले लिया ना मुझसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, दुकान तो आपको नहीं मिलेगी। आपका गिरवी नामा जो है गड़बड़ है, हम देख रहे हैं, आगे पढ़ेंगे जो ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग कहाँ गलत है जरा उसको देखेंगे। माय लॉर्ड, अभी तो हम एक मोटा मोटा हिसाब लगा के देख रहे हैं कि अगर 1,500 रुपए महीना है तो एक साल का होता है 18,000 रुपए, 18,000 × 4 साल का भी आप लेते तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आज तक हिसाब क्यों लगाएंगे? नहीं नहीं, हम 4 साल की कर रहे हैं 2006 से लेकर 2010 तक हिसाब कर रहे हैं, बाकी का नहीं कर रहे हैं। पैसा तो दिए नहीं आपने बीच में। ये तो आप तो समझ में आ गया है, हम तो यही तो आपसे पूछना चाह रहे थे। एक मुस्त अरे यही तो पूछना चाह रहे थे कि आप 40,000 रुपए देके दो दुकान कब्जा कर लोगे क्या? हाँ, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे थे, 750 रुपए मिनिमम किराया होगा। 1,20 पहले दिया था, 40 बाद में दिया था। 1,20 ना, 1,20,000 पहले दिया था। अच्छा ठीक है, चलो ऑल राइट 1,20,000 पहले दिया जी, ठीक है, 1,20,000 और 40,000, 1,60,000 रुपए, हाँ। ठीक है, अब 2005 से आज 2023 आ गया, सुनो तो सही, 23 आ गया, ठीक है, 18 साल हो गए जी। एक साल का 18,000 रुपया, 18 × 18 कितना हुआ? 18 × 180, 18 × 44, 144, रुकिए ना, हमको भी थोड़ा घुड़ा भाग करने दीजिए, ठीक, 1,80,000 पहले हुआ और फिर 8 का और हुआ, 18 × 44, करीब करीब 3,00,000 रुपया होता है। आप तो ब्याज से ज्यादा पैसा मूलधन से ज्यादा ले चुके हो, आप केस को बात करो। माय लॉर्ड, आप बात करो, पहले मैं उसको जो आपने कहा उसको तो पहले खंडित कर दूं मैं। नहीं नहीं, आप पहले अपना फैक्ट आप बता दो, हम एक रफ आइडिया, देखिए हम कुछ कुछ नहीं, जो माय लॉर्ड जो चीज बिक चुकी है उसका क्या रहने में कैसे? नहीं नहीं, सुनो तो श्रीवास्तव जी, हम क्या थोड़े मैथ्स के स्टूडेंट है ना, बीएससी में मैथ्स किए थे, ठीक बात है, तो गुणा भाग हमको जल्दी आ जाता है, ठीक बात है ना, हम आर्ट्स कॉमर्स वाले नहीं थे, ठीक है मैडम, तो हमको कुछ समझ में नहीं आता, बाकी आप लोगों की जो साहित्यिक बातें होती ना। नहीं, साहित्यिक बात नहीं कर रहा मैडम, आप सीधा आ जाओ गिरवी पे, गिरवी को कैसे एक्सप्लेन करोगे और गिरवी के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जरा बताइए। और ए वैलिड गिरवी निकालो भाई, गिरवी लेख ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ना, प्लीज, आज तक रिडेम्पशन सूट नहीं लाए। वही हम इसे इनसे धीरे धीरे पूछेंगे, हमको तो गिरवी गिरवी आता नहीं। माय लॉर्ड, कहाँ कौन सी सेक्शन में गिरवी कहाँ पे डिफाइंड है वो तो मैं उसको प्लीज क्या बोलते हैं, PLEDGA बोलते हैं हमको, ये है ना, प्लीज क्या बोलते हैं ना उसको, प्लीज मॉर्गेज, प्लीज मॉर्गेज, नहीं मॉर्गेज तो बंधक हो गया, प्लीज आप गिरवी समझाओ।
गिरवी तो भी मैं हाँ गिरवी समझाओ जरा। चलो ट्रांसफर ऑफ कुछ प्रॉपर्टी नहीं। एक्ट हमको भी बहुत देर बाद फर्स्ट ईयर की ये बात याद आ रही लॉ की। बताओ जरा कहाँ लिखा है।